संपस्थित अंतरात्मा एवं सत्संग प्रेमी श्रद्धालु सज्जन हंसलाल विशेष लगे हुए, क्योंकि जो आंख से कान से इंद्रिय से होता है वही हम लोग उसी में केवल लगे हैं। इसलिए कहते हैं लिखा पढ़ी में पढ़े सब यह गुण तजे न कोई, सबे परे ब्रह्म जाल में नाते सब देव। ओ हम केवल लिखा पढ़ी जो अभी हम पढ़ते हैं वो उसी में केवल उलझे हुए हैं, उससे आगे हमको जाना है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कबीर साहब की भाषा को नहीं समझ सकते। तो यहां कहते हैं जो नाते शब्दी हो, शब्दी हम नहीं बन सकते क्योंकि हमको कबीर साहब इतना कीटाणी के साथ कहते हैं कि शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का तो फिर भटका। शब्द बिना सुरती आंधरी, उस शब्द के बिना हमारी जो सूरत है जो दृष्टि है वो अंधेरे में अज्ञान में भटक रहा। शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का। जब तक हम लोग शब्द के द्वार प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इधर ही भटकते रहे, मन के कल्पना में, मन बुद्धि के कल्पना में भटकते रहते। मन बुद्धि से आगे जाने का रास्ता कबीर साहब विशेष जोर से बता दें। इसलिए कहते मन बुद्धि जहाँ पहुंचे नहीं हो रमेरा, तहाँ खोज कैसे हो रमेरा। मन बुद्धि जहाँ नहीं पहुंचता तो कहेंगे जो इससे आगे हम कैसे जा सकते, उसके लिए कोई तपस्या करना कोई जरूरी नहीं, केवल इतना ही है जो उलट जाने के बाद जो हम बाहर कर रहे हैं वो भीतर की ओर लौटना है। और भीतर की ओर लौटने के लिए कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं है, वो कहते हैं गुरु दिष्ट मार्ग है ना सहसे प्रकाश, जो गुरु महाराज भी बता देंगे आपको। वो भी गुरु महाराज कैसे, तो जो उस भेद को जानते हैं वही खोल सकते उस दरवाजा को। बहुत है तो वो फाटक है उस बीच में एक ऐसा बॉर्डर से, हम कहते हैं ना पिंड और ब्रह्मांड। हमारे शरीर में दो भाग है, एक पिंड भाग एक ब्रह्मांड भाग। तो कहाँ से पिंड है कहाँ से ब्रह्मांड है, जो वो जो बीच में जो संधि है वही संधि को हम पार नहीं कर पाते। जैसे अभी हम कहाँ बैठे हैं, ये बैठने का ये तो शरीर बैठा है, हम कहाँ बैठे हैं, हम मतलब जीवात्मा। जीवात्मा जागृत अवस्था में कहते नेत्रस्थम जागृतम विद्या स्वप्ने कंठम समावेश सुषुप्तम हृदयस्थम तो तुरीय मूर्धनि संचितम। जागृत में हम नेत्र में बैठे दोनों आंख के बीच में, इसीलिए माताएं लोग टिकले लगाते हैं, टीका लगाते हैं, पुरुष लोग भी टीका लगाते हैं। तो वो इसलिए लगाया जाता है, ये जो परंपरा रखी गई है जो जीवात्मा का वास जागृत अवस्था में वहां, इसीलिए कबीर साहब कहते नैनन नैनन अग्रे मन बसे, आंख के अग्रभाग में, आंख के अग्रभाग में मतलब कान में नहीं बसता ना वो भ्रमग्न में, और वहां से हम नीचे आ जाते हैं स्वप्ना अवस्था में कंठ में आ जाते हैं, सुषुप्ति में हृदय में आ जाते हैं, फिर स्वप्ना में कंठ में आते, फिर जागृत अवस्था में आते, वहां से ऊपर नहीं जा पाते। वहां से ऊपर जाने का ही काम वो गुरु महाराज रास्ता बताते हैं। तो ऊपर कैसे जाएंगे, तुरीय मूर्धनि संचितम, वो तुरीय तो जागृत आप जानते ही हैं, स्वप्ना को भी जानते हैं और गहरी नींद जो सुप्ति है उसको भी जानते हैं। ये तीन अवस्था परमात्मा का दिया हुआ ये तीन अवस्था है, इसको प्राकृत अवस्था कहते हैं, जिसमें सारे दुनिया के लोग सारे संसार के लोग इस तीनों अवस्था में आते जाते हैं, चाहे राजा हो महाराजा हो चाहे योगी हो फकीर हो, तीन अवस्था तो सबके लिए बराबर है।
अच्छा यही ज्ञान की प्रक्रिया है। लोग अपना अपना धर्म संप्रदाय अलग अलग कर ले, लेकिन ये तो कहीं फर्क तो नहीं है। हिंदू में जाए चाहे जैन में जाए चाहे बौद्ध में जाए चाहे क्रिश्चियन में जाए, वो तीन अवस्था तो सबके लिए। और यही यहीं से हमको ये प्रक्रिया से आगे जाना है। ये तीन अवस्था से आगे जाने के लिए संत इशारा करते हैं, स्थान त्याग व्यतीतस्य पुनर्जन्म विद्यते। तीन स्थान से आगे जब निकल जाएंगे तो उसका मोक्ष प्राप्त होता है, पुनर्जन्म नहीं होता। तजहु भगव तजहु तीन अवस्था भजहु भगवंत। तीन अवस्था को त्याग कीजिए। तीन अवस्था के आगे जो तुरिया अवस्था जो मैं भजन में कहता हूँ, वो तुरिया अवस्था जिसको उन्मुनि भी कहते हैं, जैसे कबीर साहब ने उच्चारण की, आप ही गुरु कृपा कर चुकी ना निर्गुण अलख लखाई, सहज समाधि उन्मुनि जागे सहज मिले रघु राई। सहज समाधि उन्मुनि जागे, जब गुरु महाराज की कृपा हो जाती है, आप ही गुरु कृपा कर चुकी ना, जब गुरु महाराज कृपा कर देते हैं तो दिन ना अलख लखाई निर्गुण अलख दिन ना, आप ही गुरु कृपा कर चुकी ना निर्गुण अलख लखाई, जो निर्गुण स्वरूप जो परमात्मा का वो भी लगा देते हैं। आप ही गुरु कृपा कन्या निर्गुण अलख लखाई सहज समाधि उन्मुनि जागे। सहज समाधि वही सहज समाधि कबीर साहब का मुख्य समाधि है, जैसे हठ योगी लोग की समाधि है वो अलग प्रक्रिया है, कबीर साहब के जो समाधि है वो सहज समाधि वो अलग प्रक्रिया है। और भी कई प्रकार की समाधि है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं जो संतो सहज समाधि भली। सहज समाधि इसलिए अच्छा है कि उस समाधि में आप जब भी रह सकते हैं और सांस बंद करके कब तक रहेंगे, क्योंकि हटियों के लोग सांस बंद करके रहते हैं थोड़ी देर के लिए, दिन दिनों बिताते हैं, लेकिन वहां से उतरने के बाद फिर जैसा का तैसा। तो हठ योग प्रक्रिया नहीं, ये हमारे जो सहज समाधि है जो शब्द के साथ शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी उठत बैठत कपन छूटे ऐसी तारी लागी। जो शब्द में यदि मन रम जाए तो उठते बैठते चलते फिरते जब